नमस्कार, मैं हूं ब्रह्मदत्त दुबे और आप देख रहे हैं सागर एक्सप्रेस न्यूज का खास कार्यक्रम राजनीति के अनछुए पहलू। इमरजेंसी के बाद क्षेत्रीय दलों ने दस्तक दी और क्षेत्रीयता के आधार पर इस देश में और मध्य प्रदेश में विधायक बनने लगे। लेकिन मध्य प्रदेश के सागर में एक विधानसभा ऐसी है जिस विधानसभा का नाम सुर्खी विधानसभा है, वहाँ क्षेत्रीयता को कोई महत्व नहीं दिया जाता। इस धरती में जो भी व्यक्ति पैदा होता है वो अगर चुनाव लड़ता है तो जनता उसके माथे पर विजय का तिलक नहीं लगाती। तो इस सारे विषय में आज चर्चा करेंगे कि क्यों सुर्खी अपनी धरती में पैदा हुए व्यक्ति को चुनाव नहीं जिताती। राजनीति के अनछुए पहलू में खास कार्यक्रम देखिए सागर एक्सप्रेस न्यूज। सुर्खी विधानसभा वो विधानसभा है जो सागर ब्लॉक, जैसी नगर ब्लॉक और राहतगढ़ ब्लॉक को लेकर दूर दराज तक फैली है। 2 लाख वोटरों को समेटने वाली यह विधानसभा मध्य प्रदेश की उन पिछड़ी विधानसभाओं में शुमार है जो तरक्की की राह देख रही है। राजनीतिक मिजाज से इस विधानसभा से जीते नेता ने दिल्ली तक अपनी पैठ जमाई है, लेकिन इस विधानसभा की जनता उस प्रत्याशी के माथे पर विजय का तिलक नहीं लगाती जो सुर्खी की धरती पर पैदा होता है। सुर्खी का लाल है। 1951 से अस्तित्व में आई इस विधानसभा ने 1951 में ज्वाला प्रसाद जोशी को मनोनीत किया तो 1957 और 62 तक कांग्रेस के सागर निवासी बीबी गिरी को सुर्खी की जनता ने चुनाव जिताया तो 67 में बाजी पलटी और भारतीय जनसंघ से एनपी राय जो सागर के थे सुर्खी की धरती पर चुनाव लड़े और चुनाव जीते। 72 में ज्ञा प्रसाद कबीरपंथी को कांग्रेस ने मौका मिला, वो भी सागर के रहने वाले थे, लेकिन 72 में सुर्खी की जनता ने उनको विधायक बनाया। 1977 में सीट की तासीर बदली और यह सीट सामान्य हुई। तब लक्ष्मी नारायण यादव जो सागर के गौ घाट के रहने वाले हैं जनता पार्टी से चुनाव लड़े और चुनाव जीते। वह मंत्री भी बने लेकिन सुर्खी पिछड़ी की पिछड़ी बनी रही। यहाँ तरक्की के कोई इंतजाम न हो सके। सागर से पिछड़ा वर्ग के दमदार लीडर और शुक्ल बंधुओं के करीबी और सिंधिया के चहेते, साथ में अर्जुन खेमे के विरोधी ताकतवर बिट्ठल 80 और 85 में चुनाव जीते और बिट्ठल भाई पटेल मध्य प्रदेश सरकार में उद्योग मंत्री बने, लेकिन वो सुर्खी को कोई उद्योग न दे सके और यही वजह रही कि उनका विरोध हुआ और 1990 में भाजपा और जनता दल के गठबंधन से चुनाव लड़े लक्ष्मी नारायण यादव पर एक बार फिर सुर्खी की जनता ने भरोसा जताकर उन्हें विधायक बनाया। विट्ठल भाई एक बार फिर चुनाव हार गए। 1993 में वर्तमान के गृह मंत्री भूपेंद्र सिंह भाजपा से कैंडिडेट बने और चुनाव जीते। विट्ठल भाई पटेल फिर चुनाव हार गए। 1998 में सिंधिया के बेहद करीबी गोविंद सिंह राजपूत, जिन्हें सिंधिया की कृपा से युवक कांग्रेस का प्रदेश अध्यक्ष बनाया गया था, उन्हें कांग्रेस ने मौका दिया और गोविंद सिंह राजपूत ने सुर्खी से पहली पारी शुरू की, लेकिन भूपेंद्र सिंह ने उन्हें चुनाव हरा दिया। सुर्खी में एक बार फिर कमल खिला। 2003 में यही दोनों प्रत्याशी भाजपा और कांग्रेस से आमने सामने थे, लेकिन जनता का फैसला इस दफा गोविंद राजपूत के पक्ष में था। दोनों पार्टियां लगातार सागर से प्रत्याशी बनाकर सुर्खी भेजती रहीं और सुर्खी की जनता बारी बारी दोनों प्रत्याशियों को चुनाव जिताती रही। चुनाव में निर्दलीय के तौर पर सुर्खी के सपूत कई बार चुनाव लड़े, लेकिन कभी कांग्रेस से तो कभी भाजपा से वो हारते रहे। लेकिन 2008 में पहली बार भाजपा ने सुर्खी के स्थानीय निवासी राजन सिंह मोकलपुर पर भरोसा जताया, लेकिन सुर्खी की जनता को अपनी ही धरती का लाल रास नहीं आया और चुनाव में गोविंद सिंह राजपूत से राजन सिंह मोकलपुर चुनाव हार गए। यह सीट इस दफा कांग्रेस के पास थी। 2013 में मशहूर शराब व्यवसायी संतोष साहू की बेटी पारुल साहू पर भाजपा ने दाव लगाया तो कांग्रेस ने चौथी बार
लगातार गोविंद को अपना उम्मीदवार बनाया, लेकिन इस बार पारुल दीदी को जनता ने चुना और क्षेत्र में फिर कमल खिला। 1951 से लेकर 2013 तक सिर्फ एक बार भाजपा ने सुर्खी के स्थानीय प्रत्याशी पर दाव खेला, लेकिन वो चुनाव हार गए। ऐसा नहीं है कि सुर्खी में कोई नेता नहीं, लेकिन कांग्रेस और भाजपा को सुर्खी के नेताओं पर एतवार नहीं है। वहीं दूसरी वजह यह है कि क्षेत्र की बिखराव की वजह से सुर्खी की जनता अपने धरती के सपूत को राहतगढ़, जैसी नगर, बलेरा, सीहोरा और सुर्खी का होना बताकर बांटती रही और चुनाव हराती रही। सुर्खी का नेता निर्दलीय चुनाव लड़ता रहा और चुनाव हारता रहा। क्या इस दफा दोनों पार्टी, कांग्रेस और भाजपा, सुर्खी की कोख से पैदा हुए लाल पर भरोसा जताएंगी? क्या उस प्रत्याशी के सिर पर जनता अपना प्रेम का आशीर्वाद रखेगी? यह तो आने वाला वक्त ही बताएगा। सुर्खी से ब्रजेश गौतम के साथ, जैसी नगर से संतोष नामदेव, सागर एक्सप्रेस न्यूज सुर्खी। मुझे सुर्खी की इस आदत पर दुष्यंत कुमार का एक शेर याद आता है। वो आदमी नहीं, एक मुकम्मल बयान है, माथे पे उसके चोट का गहरा निशान है। शायद सुर्खी की जनता ने अपने धरती के लाल को चुनाव में हरा कर वही चोट दी है जो आज तक बदस्तूर जारी है। तो फिलहाल इस पेशकश में इतना ही। किसी और खबर में, किसी और मुद्दे में आपके साथ होंगे, आपके सामने होंगे। तब तक दीजिए हमें इजाजत। नमस्कार। सागर एक्सप्रेस न्यूज के वीडियो अगर आप YouTube पे देख रहे हैं तो उसे सब्सक्राइब कीजिए, और अगर यही वीडियो आप Facebook पे देख रहे हैं तो उन्हें लाइक कीजिए, और अगर आप कमेंट लिखना चाहते तो कमेंट भी लिखिए। और आपका दिन शुभ हो, मंगलमय हो, यही हम ईश्वर से प्रार्थना करते हैं। नमस्कार।